हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेता स्वीट होम। मैं हूं श्वेता और फ्रेंड्स आज मैं एक लंच रेसिपी लेके आई हूं। तो फ्रेंड्स जब कभी हमारे घर में सब्जी नहीं होती है तो लगता है कि हम क्या बनाएं। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी सोया करी बनाना, यानी सोया चंक्स करी। तो ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है और विद इन फ्यू मिनट्स बनकर तैयार हो जाती है, खाने में डिलीशियस होता है। और फ्रेंड्स आप इसे राइस, रोटी, पुलाव किसी से भी खाइए, बहुत ही यम्मी होता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने पैन लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड करना है और मीडियम फ्लेम पर हम कुक करेंगे। 1 टीस्पून क्यूमिन सीड, मस्टर्ड सीड, सम क्लोव्स, कार्डमम, बे लीफ और पेपर लिया है, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता, इलायची, जीरा और सरसों डाला है मैंने। अब इसे 30 सेकेंड्स के लिए कुक होने देंगे। तो ये मैंने 1 कप के बराबर सोया चंक्स लिया था और 5 मिनट्स के लिए बॉईल करके वाटर को ड्रेन कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो ये सॉफ्ट हो चुका है। तो 30 सेकेंड्स होने के बाद अब मैं इसमें अनियंस ऐड करूंगी, फाइनली चॉप किया हुआ 1 कटोरी के बराबर। अब इसे हम भुनेंगे। जिंजर ऐड करना है, गार्लिक ऐड करना है 1/4 टेबलस्पून के बराबर, सम जिंजर एंड गार्लिक। इसे हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ब्राउन होने तक। तो ये हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड करूंगी। तो एक बड़ा टमाटर का पेस्ट बना लिया है मैंने, मिक्सी में पीस लिया था इसे। अब मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून के बराबर टर्मरिक ऐड करूंगी, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया, हल्दी, मिर्च ऐड किया है मैंने, आप अपने अकॉर्डिंगली भी डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। अब इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। कसूरी मेथी ऐड करना है 2 टीस्पून के बराबर, इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। फेनुग्रीक लीव जिसे कहते हैं। अब मैं इसमें वाटर ऐड करूंगी अराउंड 1 कप के बराबर, मिला लेते हैं अच्छे से। अब मैं मसाले को ढककर पकाऊंगी अराउंड 5 मिनट्स के लिए। आफ्टर 5 मिनट्स होने के बाद हम चेक कर लेते हैं, तो ऑयल रिलीज हो चुका है और मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसमें कैप्सिकम ऐड करूंगी, 1 कैप्सिकम को मैंने क्यूब्स में काट लिया है, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें 1/2 कप के बराबर कर्ड ऐड करूंगी, यानी दही। तो ये फ्रेश बीटन कर्ड है, दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। सोया चंक्स ऐड करना है बॉईल किए हुए, सम सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक मीडियम टोमेटो लिया है जिसे मैंने चॉप कर लिया है मोटे टुकड़े में, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी ताकि सोया चंक्स में अच्छे से मसाले कोट हो जाए। तो आफ्टर 5 मिनट्स हम चेक कर लेते हैं, तो मसाले अच्छे से कोट हो चुके हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें वाटर ऐड करूंगी अराउंड 1 कप के बराबर वाटर ऐड करना है, तो आप चाहे तो ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं, अपनी कंसिस्टेंसी जैसी रखनी चाहे। तो अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। गरम मसाला ऐड करना है 1/2 टेबलस्पून के बराबर, इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी अराउंड 5 to 7 मिनट्स के लिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पर। आफ्टर 7 मिनट्स हम चेक कर लेते हैं, तो ये मसाला बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है और ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी बनी है, अच्छी खुशबू आ रही है। तो हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।